आप सभी दर्शकों का सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद से है, जहां पर जिले में कई दिनों से लापता 18 वर्षीय युवती का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी। घटना बलरामपुर जनपद के थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र के नारायणपुर की है, जहां पर 6 और 7 जून की मध्य रात एक 18 वर्षीय युवती जो गायब थी, उसका छत बिछत अवस्था में गन्ने के खेत में शव पाया गया। परिजनों ने इसकी पहचान करते हुए तेजाब डालकर हत्या की आशंका जताई और पास के ही आरोपियों पर आशंका जताते हुए केस दर्ज कराया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की छानबीन चल रही थी, उसका शव गन्ने के खेत में पाया गया है। परिजनों ने पास के ही लोगों पर हत्या की आशंका जताई है। जो भी आरोपी हैं सभी पर कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। श्रावस्ती जनपद के बगल स्थित बलरामपुर जनपद का यह पूरा मामला है, जहां पर थाना महाराजगंज तराई से ये बड़ी और अहम खबर जो लोगों को झकझोर देगी। कंकाल के रूप में गन्ने के खेत से शव बरामद हुआ। आखिरकार कुछ ही दिनों में कंकाल में शव कैसे बदल गया, इस बारे में लोगों की राय है कि संभवतः उसे तेजाब या पेट्रोल से जलाया गया, जिसके बाद वो कंकाल के रूप में उसकी लाश बरामद हुई। रात को मेरी बहन को बहला फुसला कर उन लोग अगवा करके उठा ले गए और उसका बलात्कार करके हत्या कर दिया है। उसकी जो बॉडी मिली है उसमें सिर्फ हड्डी ही बची हुई है और उसका ऐसा लग रहा है तेजाब डाल के पूरा शरीर को जला दिए हैं, सिर्फ हड्डी ही हड्डी बची है उसमें और कुछ नहीं है। और वो लोग भी धमकी दिए हैं कि वो लोग बोलेंगे कुछ कर नहीं पाएंगे और हम बोलेंगे, विपक्षी लोग बोले कि वो लोग ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो उनको भी मार देंगे और हमारी बहन को वो लोग मार के फेंक दिए। बॉडी की क्या कंडीशन थी? बॉडी की कंडीशन में वो लोग जब देखने गए तो उसमें सिर्फ हड्डी हड्डी था और सब हाथ पैर काट के सब फेंक दिए, जगह जगह पर दूर दूर पर पड़ा हुआ था, इकट्ठा नहीं था एक भी बॉडी और सिर्फ हड्डी ही हड्डी बची थी और उसमें कुछ नहीं था। दिनांक 9/6/22 को थाना महाराजगंज तराई पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा ये तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री को जो 18 वर्षीय है उसे गांव के ही एक युवक द्वारा अपने परिवार के सहयोग से बहला फुसला कर भगा ले जाया गया है। इस तहरीर पर तत्काल थाना महाराजगंज तराई पर अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस के द्वारा लगातार उसकी अपहर्ता की बरामदगी का प्रयास किया जाने लगा। साथ ही साथ नामजद अभियुक्त से भी थाने पर पूछताछ की गई, जिसमें अभियुक्त द्वारा ये स्वीकार किया गया कि वो शादीशुदा है और उसका अपहर्ता के साथ संबंध था। अपहर्ता द्वारा उस पर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था और उसी कारण से तंग आकर उसने अपहर्ता की हत्या कर दी है। अभियुक्त की निशानदेही पर अपहर्ता का शव बरामद कर लिया गया और उसको पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करके PM के लिए भेज दिया गया। अभियुक्त को जेल भेजा गया है और अभियोग में 363 और 302 और 201 IPC की वृद्धि की गई। आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।